हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो बेसिक प्रॉब्लम आती है जो अपने घर में लोग ब्रॉडबैंड लगवाते हैं कि कौन सा रिचार्ज करवाएं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इस पे, तो दोस्तों यहाँ पे आप मैन्युअली मतलब मेरा सजेशन लेंगे तो वो वीडियो आपने जो पीछे बताया था मैंने नहीं, उस पर जाके देख सकते हैं। लेकिन एक है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है जियो की जिसमें आप अपना प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में ही आता है, अरे यार मेरा तो एयरटेल ब्रॉडबैंड है, यार मेरा तो मतलब लोकल ब्रॉडबैंड होते हैं, ई डेटा हो गया है, या स्टार मतलब स्टारलिंक एक बहुत बड़ी ब्रांड है, लेकिन हमारे लोकल में भी एक स्टारलिंक खोल रखा है उसने, तो वो है। तो इस तरीके के ब्रॉडबैंड लगा रखे हैं, टाटा स्काई लगा रखे हैं, तो यार लेना सही है या नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक्चुअली मैं सिर्फ ये बताऊंगा अभी वीडियो में आगे कि आप कौन सा ब्रॉडबैंड चूज करना है। ये नहीं कि आपका एयरटेल का है तो नहीं प्रिफर कर सकते, लेकिन जियो में सबसे ज्यादा अच्छी बात ये होती है कि आपको ओटीटी एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन आजकल ज्यादातर ब्रॉडबैंड में आपको देखने के लिए मिलती है। और इससे हमें ये अंदाजा मिल जाता है कि हमें मंथली कितने रुपए का रिचार्ज करवाना चाहिए। और बाकी बात आगे पूरी डिटेल जो वीडियो है उसमें बात करते हैं, बाकी मैं तब तक सूख पीता हूँ, आप आगे वीडियो को देखिए। तो दोस्तों गूगल पे आपको डालना है जियो ब्रॉडबैंड प्लान्स, तो यहाँ पे आप कहेंगे यार मेरा तो एयरटेल का लगा हुआ है या मेरा किसी और चीज का लगा हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है, आपको बस ये डालना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप जैसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज आती है, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ देखना है चूज यू आर ए जियो फाइबर प्लान। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी ब्रॉडबैंड है तो लिख के आ रहा है, पूरी डिटेल मांगता है, फिर वो आपको ब्रॉडबैंड सजेशन करता है कि आपको कौन सा रिचार्ज करवाना चाहिए ब्रॉडबैंड पे। हाउ मेनी डिवाइसेस इन योर होम विल बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मतलब एक्चुअली कितने हो पाते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें ऐसा करना है, जैसे कि हमारे पास चार डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो हम तीन लिखेंगे, तो एक डिवाइस कम करके जैसे कि एक से तीन डिवाइस, ज्यादातर लोगों में यही घरों में यही डिवाइस यूज करते हैं। तो और यहाँ पे लिख के आ रहा है हाउ मेनी मेंबर्स वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्टडीज, तो आपके घर में है तो जैसे कि दो लोग काम करते हैं तो एक ही लिखना है, और तीन लोग काम करते हैं तो दो लिखना है, और हम कर रहे हैं एक सिर्फ। और यहाँ पे लिख के आ रहा है हाउ डू यू वॉच टीवी शो मूवीज एट होम, तो ज्यादातर लोग देखते हैं, तो इसमें हम सच्चाई का साथ लेंगे। और 4K पे नहीं जाना है दोस्तों, आपका 4K भी है क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीमिंग जो साइड है वो OTT एप्लीकेशन है और 4K सपोर्ट नहीं करती है अब भी, तो HD मोर देन सफिशियंट होता है। और ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग आप मोबाइल पे खेल रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे नो करना है, कंप्यूटर में खेलना है तभी, वो भी तब आपके घर में बात की जाए मतलब प्ले स्टेशन है इस टाइप की चीजें या एक्सबॉक्स सीरीज है, तो यहाँ पे नो कर देना है। और हाउ मेनी डज एनी फैमिली मेंबर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग लार्ज फाइल, लार्ज फाइल का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है 2.5 GB से या 3 GB से ऊपर के आप भेज रहे हैं, नॉर्मली 200-250 MB के कोई लार्ज फाइल नहीं होती है, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। तो ये जो दे रहा है प्लान वो ये दे रहा है कि आपको कम से कम 150 MBPS का प्लान लेना चाहिए, जिसमें हमने स्ट्रीमिंग नहीं करते तो ये 700 तक गिर सकता था, जिसमें आपको Amazon प्राइम, डिज्नी बूट सिलेक्ट, सोनी लिव, G5 और ये बूट किड, सन नेक्स्ट और डिस्कवरी प्लस, जियो सिनेमा, सावन, इस तरीके की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, लेकिन आपको इसके लिए दोस्तों जियो सेटअप बॉक्स भी साथ में लेना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि आप मुझे इतने का प्लान रिचार्ज करवाना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ कम करने के बाद तो आप प्लान भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ जियो फाइबर के जो प्लान है एक्चुअली वो आपको मतलब प्लान की बात की जाए ये वाले, तो यहाँ पे आप और ज्यादा फुल देखें व्यू पे, तो यहाँ पे हमें ये वाला प्लान सजेस्ट किया जिसमें हमें 13 OTT एप्लीकेशन, 13-15 मतलब 15 OTT एप्लीकेशन मिलती हैं, जिसमें हम 100 MBPS का करवाते हैं, तो यहाँ पे OTT एप्लीकेशन का फायदा मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अनदर सेकंड प्लान में आपको 700 वाले में कुछ नहीं मिलता, 100 MBPS की स्पीड मिलती है, और इस तरीके का 1000। तो दोस्तों आप 1000 रुपए का रिचार्ज करवाएं, क्योंकि मैं सजेस्ट भी यही करूंगा रिचार्ज एक्चुअली कि आप OTT एप्लीकेशन मैक्सिमम सभी, ज्यादातर बात करें प्राइम वीडियो या बात करें हॉटस्टार, बूट सेलेक्ट, सोनी, G5, तो यही ज्यादातर OTT एप्लीकेशन है, यूजफुल रहती है मूवी के लिए, और यही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। नेटफ्लिक्स जो है मुझे लगता है कि आपको थोड़े से बड़े रिचार्जों पे देखने के लिए मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 1500 रुपए के रिचार्ज पे आपको नेटफ्लिक्स भी देखने के लिए मिल जाता है, इसमें एप्लीकेशन 16 मिल जाती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स एक बढ़ गया और बेसिक है, मतलब आप एक ही डिवाइस पे चला सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे यूनिवर्सल
प्लस मिल गया देखने के लिए, मतलब कुछ एप्लीकेशन चेंज की गई है, बालाजी मिल जाता है, मतलब सारी एप्लीकेशन ज्यादातर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों बाकी बात आगे वीडियो में लगातार करते हैं। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख ली, तो वहां पे मैंने एक्चुअली पूरी डिटेल बताई, क्योंकि यहाँ पे जियो ने बहुत अच्छा कर रखा फंक्शनैलिटी, लेकिन मुझे लगता है कि आप मतलब 1000 रुपीज वाला करवा रहे हैं तो आपको 150 Mbps की स्पीड मिल रही है और मैक्सिमम आपको ओटीटी एप्लीकेशन सारी यूज करने के लिए मिल जाती है। लेकिन दोस्तों वहां पे आपको ओटीटी एप्लीकेशन यूज नहीं करनी है, आपको बेसिक प्लान चलाना है, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप 700 रुपए से ऊपर वाला, मतलब 100 Mbps से ऊपर वाला रिचार्ज कभी ना करवाएं। तब आपके घर में 7 तो मतलब 5-6 डिवाइस चल रहे हैं, लेकिन आप ब्लू 3 या 4 डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आपके लिए चार मतलब 40 Mbps वाला कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों उस पर कंडीशन है कि आप किसी भी प्ले स्टेशन से गेम खेलने की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो मिनिमम 100 Mbps का कनेक्शन करवाइए, एना तो गाइस 40 Mbps का कनेक्शन सही है कि आप नॉर्मल लाइव टीवी भी देख पाते हैं और ओटीटी एप्लीकेशन का कोई डेटा कंजम्पशन इतना ज्यादा नहीं होता कि आपका 40 Mbps मैक्सिमम हर किसी चीज के लिए सपोर्टेबल रहता है। यूट्यूब पे वीडियो वीडियो डालते हैं तो उसमें नॉर्मली आप 100 Mbps वाला कनेक्शन करवा लेते हैं, मतलब रिचार्ज करवा लेते हैं, तो मोर देन सफिशियंट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।